हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि चैप्टर कैपेसिटेंस का और उसमें पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो उसी में कुछ और क्वेश्चंस आगे हम करते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर तो जैसे एक इनफाइनाइट सीरीज की क्वेश्चंस आते हैं, इनफाइनाइट लेडर जिसको बोलते हैं, अगर कैपेसिटर इनफाइनाइट नंबर जुड़ जाए। तो जैसे एक सर्किट मान लेता हूं, एग्जाम्पल ले लेता हूं मेरे के लिए, सेम आइडेंटिटी का आगे जुड़ते चले जाए इनफाइनाइट तक और सभी की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी मैं सेम मान लेता हूं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें क्या मिलेंगे, आपको सभी की सी मिलेगी या फिर क्या मिलेगा, इनका सी 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 लिखा मिलेगा और इनका हो सकता है टू सी, यानी कि ये सब की कैपेसिटेंस आपको सेम मिलेगी और इन सब को आप इन सब की आपको सेम मिलेगी, ठीक है। इनके अलावा क्वेश्चंस नहीं बनते इनफाइनाइट सीरीज के। हाँ, हो सकता है कि एक कैपेसिटर यहां और जोड़ दे, यहां और जोड़ दे, यहां और जोड़ दे, तो इन सब की कैपेसिटेंस भी आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है, हमें ए और बी के बीच में क्या निकालनी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो देखो बेटा कैसे निकालोगे इसको, सोल्व कर लेंगे छोटा सा एक मेथड दो समझे। इस सर्किट को हम छोटा क्या बना सकते हैं, मुझे निकालना है ए और बी के बीच में मीन्स ई फाइनली। तो हम इस सर्किट को ये बना सकते हैं, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये आगे जितनी भी सर्किट बस गई, जितने भी ब्लॉक बस गए, जितने ब्लॉक बस गए, मैंने पहला ब्लॉक ले लिया बस, इस ए और बी के बीच में निकालना है वो ब्लॉक ले लिया बस, और उसके बाद जितने भी ब्लॉक बस गए एक दो तीन आगे, उन सभी ब्लॉक की जगह मैं एक कैपेसिटर लूंगा बस, ओनली एक कैपेसिटर, ठीक है। वो कैपेसिटर ही इस सभी कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट कहलाएगा और मैं उसको मान लेता हूं x, क्या मान लेता हूं x। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो हमें निकालनी क्या वैल्यू, में x की वैल्यू निकालनी यहां से। तो ये c है, ये c है, मतलब तो सभी को मैंने x मान लिया। अब आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है, ये दोनों किसमें है पैरेलल, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा बेटा, आगे सॉल्व कर देता हूं कुछ नेक्स्ट। तो ये आएगा कितना बेटा, x plus c, ये पॉइंट हो गया a और ये पॉइंट है b, ओके। उसके बाद ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, फिर दोनों आपस में a से b जाओगे तो किसमें आएंगे, सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा a से b के बीच का, ए से बी का बीच का, वो इसकी इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि सी, यानी तो मैं सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो इसके और इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि सी इंटू एक्स प्लस सी और डिवाइड बाय सी प्लस एक्स प्लस सी, ये होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका ए से बी के बीच में। और मैंने क्या कहा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, एक्स के, बस ऐसे इसको अब आगे सॉल्व करना है। यानी पहले ये एक ग्रुप ले लिया, इस ग्रुप की वैल्यू पुट कर दी सी और सी, और सभी के जगह मैंने क्या पुट कर दिया एक्स। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, पहले ये दोनों किसमें है पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल जोड़ा तो एक्स प्लस सी हुआ, फिर ये दोनों किसमें आएंगे सीरीज में, तो एक्स प्लस सी इंटू सी डिवाइड बाई एक्स प्लस सी प्लस सी। अब इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू भी कितनी है एक्स, अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा बेटा, ये बन जाएगा सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ऊपर दो नीचे हो गया टू सी प्लस एक्स और इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसकी, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया सी एक्स प्लस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस टू सी एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये लो बेटा, इसको नोट कर लो एक बार अच्छे से, ऊपर मिटा लो इस क्वेश्चन को, तो ये आ गया, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस टू सी एक्स प्लस टू सी एक्स माइनस का सी एक्स आएगा इधर बेटा,
और माइनस स्क्वायर आएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब इसको सोल्व कर लें, एक्स स्क्वायर ये क्या बच गया सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व करने का मेथड क्या माइनस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ बी क्या है सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स सी स्क्वायर माइनस फोर ए क्या है वन इंटू सी, सी हमारे पास क्या है माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टू ए, ए कितना है वन। ठीक है तो हमारे पास वैल्यू आई माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए यहाँ पे वन है इंटू सी, सी क्या है माइनस स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें बेटा एक्स इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऑफ सी प्लस माइनस इसके अंदर कितना बड़ा बेटा सी स्क्वायर और ये कितना हुआ फोर सी स्क्वायर, तो फोर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा फाइव सी स्क्वायर, फाइव सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना डिवाइड बाई क्या है टू, इसमें सी बाहर आएगा तो माइनस ऑफ सी प्लस माइनस सी रूट फाइव, रूट फाइव कितना होता है 2.24, रूट फाइव 2.24 डिवाइड बाई कितना आएगा टू, निकाल बेटा इसको करो सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी, एक बार इसको प्लस ले ले एक बार इसका माइनस ले लेते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं इसमें हम, तो कितना होगा c कॉमन आ जाएगा ठीक है, तो c बाहर आया कितना बेटा ये आएगा माइनस वन प्लस ये बचेगा 2.24 ठीक है और डिवाइड बाय कितना आया टू, तो ये आ जाएगा c इंटू वन 2.24 में वन क्या था बेटा 1.24 एंड डिवाइड बाय टू कितना आया दिस इज टू से करोगे तो ये आ जाएगा कितना बेटा 0.6 अप्रोक्सीमेट 0.6 टाइम्स ऑफ c, ये आ जाएगा x। और अगर इसको आप माइनस लेते हो तो ये माइनस सी और ये माइनस यानी हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो नेगेटिव में आएगी और नेगेटिव वाली पॉसिबल नहीं है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.6 ऑफ सी। अब सी की जगह हो सकता है 1 माइक्रोफेराड हो 2 माइक्रोफेराड हो, तो सी की जगह वैल्यू पुट कर दो वो आ जाएगा एक्स यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यानी ये तो नहीं मैथमेटिकल था, मेन जो था वो हम कैसे निकालते हैं वो मेथड मैंने आपको सुनो बता दिया था, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते चले जाएं अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाए ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन सही मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एक, उस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करना, खुद करने के बाद मैंने आपको तरीका समझा दिया है। अब इसको सोल्व करने पर ना ठीक है, उसके बाद इनको सोल्व करना आगे इनफाइनाइट सभी की कैपेसिटेंस सेम है, हमें पॉइंट ए और बी के बीच का निकाल, ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करना, उसी ब्लॉक बना के ब्लॉक लेके एक ब्लॉक को छोड़ के बाकी सभी ब्लॉक की जगह एक्स पुट कर देना और सोल्व करना अपने आप पर ठीक है, और नोटबुक में इसको सोल्व करना। तो ये तो थे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, तो सिंपल हम सी वन सी टू जो वैल्यू निकाल के चले वो। अब हम लेके चलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ग्रुपिंग कैसे करते हैं, उनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखो बेटा, इन टाइप से अलग क्वेश्चन से है वो। ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पहले एक बार ये के ऊपर बैठे अपन ना सब ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इनको सीरीज पैरेलल ठीक है, इनका आंसर कैसे निकालोगे? तो पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले ये वाला जैसे ये प्लेट है और एक प्लेट ये है बेटा,
यानी एक ए एंड ये है और बी एंड ये है, ये कैपेसिटी की दो प्लेट है, ये कैपेसिटी की दो प्लेट है, ठीक है, यानी एक ये ए है और एक ये बी है, तो बी की दो प्लेट है, ए की दो प्लेट है, हमने दोनों को ए और बी के बीच में ऐसे रख दिया, ये अरेंजमेंट बना दिया। अब कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ ए और बी के बीच में, ठीक है, तो बताओ क्या आएगा बेटा, सभी का एरिया इक्वल है, सभी का एरिया सेम है, सभी का एरिया सेम है, सभी एरिया बिल्कुल बराबर है, ठीक है, बिल्कुल एरिया सबका इक्वल है, यानी ये होता है एरिया, ये सेपरेशन होती है, डी सेपरेशन मानते हैं आप, ये सेपरेशन, ये सेपरेशन, ये सेपरेशन होती है और ये एरिया कहलाता है इसका। तो भाई ए, हम ए को क्या मानेंगे प्लस और बी को मान लेते हैं माइनस टर्मिनल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी भाई, ए पे अगर प्लस है इसका मतलब ये प्लस चार्ज ही इस प्लेट पे जाएगा सारे पे, और प्लस इधर जाएगा, बी पे माइनस है इसका मतलब माइनस ही आएगा। अब कोई भी एक कैपेसिटर कब बनता है, एक कैपेसिटर तब बनता है जब उस कैपेसिटर की दो प्लेट पे अपोजिटली चार्ज हो, एक पे यहां पे प्लस और एक पे माइनस, यानी इनर प्लेट के ऊपर, इनर प्लेट पे यहां पे प्लस चार्ज है और यहां पे माइनस चार्ज है, तो ये एक कैपेसिटर बन जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो आप कितने कैपेसिटर यहां पे बन रहे हैं, देखो यानी है कितने, जितने भी कैपेसिटर होंगे वो होंगे किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अब ए और बी के बीच में कितने भी दो पॉइंट के बीच में, चाहे चार कैपेसिटर हो, दो हो, तीन हो, पांच, कितने भी कैपेसिटर हो, अगर वो दो ही पॉइंट के बीच में है तो हमेशा वो क्या होते हैं, पैरेलल, तो ये सब क्या होंगे, पैरेलल। तो ये दोनों कितने कैपेसिटर है यहाँ पे, तो देखो बेटा यानी एक ये हो गया, देखो इसका प्लस ये माइनस, ये प्लस और माइनस, तो एक कैपेसिटर ये बन गया। अब इसका ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस कोई कैपेसिटर नहीं होता, तो ये कैपेसिटर नहीं बना। अब ये माइनस, ये प्लस, एक कैपेसिटर ये बनेगा नंबर दो, तो इसका मतलब एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, तो हमारे पास कितने कैपेसिटर हुए, ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर हुए और दोनों आपस में क्या हुए, पैरेलल। यानी ये ए एंड और ये बी एंड, ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर हैं और दोनों के हमारे पास मान लेते हैं कैपेसिटेंस मान क्या है, बराबर ही है, क्योंकि सेपरेशन बराबर है, एरिया बराबर है, तो इन दोनों के जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो क्या आएगी, इसके C1 मान लो, इसको C2 मान लो, तो क्या बनेगी, C1 plus C2, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगी C, वो आ जाएगी C1 plus C2। अब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की कैपेसिटेंस क्या होती है, इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, अगर कोई मीडियम नहीं होता तो किसी भी कैपेसिटी की यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की जो कैपेसिटेंस होती है बेटा वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय बी, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ये ए उसका एरिया हो गया, डी उसके बीच की सेपरेशन होगी, एप्सिलॉन नॉट मीडियम को दिखाता है, यहां मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो C1, C1 भी कितना है बेटा, A epsilon not by D, C2 भी कितना है, A epsilon divided by D, तो C equivalent हमारे पास आया, C equivalent हमारे पास आया क्या बेटा, C equivalent आ गया 2A epsilon not divided by D, बस ठीक है। तो हम इनको C1 C2 में नहीं है छोड़ सकते, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन डिवाइड बाय D, तो ये भी हो गया, ये भी ये हो गया, सभी सेम है, आइडेंटिकल कैपेसिटर बन रहे हैं, ठीक है। चलो वो लेके चलते हैं एग्जांपल और कोई, जैसे हमारे पास ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें जैसे ए और ये बी,
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है, अरेंजमेंट दे दिया। अब ये अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा बेटा, ए पे चार्ज प्लस मान लेंगे, बी पे क्या मान लेंगे, माइनस मान लेंगे। अब कितने कैपेसिटर बनेंगे फिर बनाओ, तो ये ए ऊपर प्लस कोई काम का नहीं, हम इस पे प्लस मान लेते, ये प्लस है, प्लस होगा, यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस आएगा, यहाँ भी क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। अब बी पे क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, ऊपर नीचे माइनस भी, लेकिन कोई काम का नीचे कोई प्लेट आगे नहीं है, तो इसको सोल्व करो। तो देखो कितने कैपेसिटर बने, एक कैपेसिटर ये बना, एक प्लस से माइनस, ये नंबर वन, ये माइनस ये प्लस नंबर टू, ये प्लस ये माइनस नंबर थ्री, टोटल कैपेसिटर कितने बने, तीन कैपेसिटर बने। सभी का एरिया सेम है, सभी के बीच की सेपरेशन सेम है, इसका मतलब सभी की आइडेंटिकल कैपेसिटेंस होगी, कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी। तो नेट जो कैपेसिटेंस आएगी से जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना आएगा बेटा, तीनों का एडिशन, तो तीनों का एडिशन जो आएगा वो आएगा थ्री टाइम्स ऑफ सी, सी प्लस सी प्लस सी कितना होगा थ्री सी, और ए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी, तो आंसर आ जाएगा थ्री ए एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, लॉजिक समझ लो बस ओनली, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल से के ऊपर, जैसे ये है जैसे, ठीक है, सभी के बीच की सेपरेशन भी सेम हो, तो सभी के बीच की सेपरेशन लगभग सेम है बेटा, ठीक है, ये डी ये डी ये डी और ये डी, सब सेपरेशन बराबर है और सभी का एरिया भी इक्वल है। अब इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे ए और बी के बीच में, अब बताओ क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट लगा दो, ए पे हम प्लस मान लेंगे, बी पे हम माइनस मान लेंगे, तो ए पे प्लस मीन से यहां भी प्लस आएगा, यहां भी प्लस आएगा, ये है तो यहां भी प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा, फिर कनेक्टिंग है, ठीक है, कनेक्टिंग होगा तो सेम चार्ज ट्रांसफर होता है, इंडक्शन से अपोजिट होता है, इससे भी ये वायर कनेक्ट है तो इसका ये नेगेटिव होगा, यहां भी नेगेटिव होगा, यहां भी नेगेटिव होगा, यहां भी नेगेटिव होगा, तो बताओ कितने कैपेसिटर बने, एक कैपेसिटर नेगेटिव से पॉजिटिव ये बन गया, एक पॉजिटिव से नेगेटिव ये बन गया, एक नेगेटिव से पॉजिटिव ये बन गया, एक पॉजिटिव से नेगेटिव ये बन गया, और चारों के चारों कैपेसिटर किसके बीच में, ए और बी के बीच में है, और किन्हीं भी दो पॉइंट यानी दो ही पॉइंट के बीच में से कितने भी कैपेसिटर हो वो हमेशा किसमें कहलाएंगे पैरेलल। तो हमारे पास टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी वो हो जाएगी फोर टाइम्स ऑफ सी, एंड सी इज इक्वल टू A epsilon not divided by D, तो ये आ जाएगा आपसे बेटा 4 A epsilon not divided by D, ये हो जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे, ठीक है, एक और देखो वाला से कुछ ऐसा ही है, जैसे नीचे